बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का टुकड़ी हलवा। आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा और वीडियो आगे शेयर कर ज़रूर करा करें। तो इसके इंग्रीडियंट्स नोट कर लें। बेसन लिया मैंने 2 कप बेसन लिया है, 1/2 कप के जितने मैंने देसी घी लिया है, खोया लिया है मैंने 1 कप जो मेरा घर से निकला हुआ है खोया, और 1 कप मैंने चीनी ली है, और 1 कप मैंने पानी लिया है, इलायची पाउडर लिया है इसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है। इसमें लायक मानी रही हम इसके अंदर 1 कप मैंने चीनी डाली है, जब तक शीरा बनाने रख देते फिर हम बेसन भूनेंगे, और 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। इसका मैं शीरा बना लेती हूँ। शीरा इतना वो करना है कि एक तार सा बन जाए, आप लेके देखेंगे हाथ में तो चिपकने लगेगा, तो समझ जाइए शीरा तैयार है। ठीक है, अच्छा कढ़ाई में सबसे पहले हमने घी डालेंगे, देसी घी है, आप डालडा घी में भी बना सकते हैं, कोई सा भी घी ले सकते हैं बासमती। इसमें मैंने इलायची डाल देंगे, 2 इलायची मैंने तोड़ के डाल दी है, इलायची डाल दी थोड़ी सी, ये होगी पिघल जाएगा, फिर मैं इसमें बेसन डाल के भूनूंगी। अच्छा ये इसमें खुशबू आने लगी इलायची में, अब इसमें मैं बेसन डाल लेंगी, और इसका फ्लेम स्लो रखना है, तेज़ नहीं करना, स्लो फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट के लिए भूनेंगे। अच्छा सब भूनेंगे इसको भूनते हुए, और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ये खोया डाल दूंगी, और इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे 5 मिनट खोए के साथ। फिर मैं इसमें शीरा डालूंगी और इलायची पाउडर, देखिए तो हम भून रहे हैं, तकरीबन भुनने ही वाला है, बस इसमें मैं शीरा डालूंगी। अच्छा इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच, इसको भी मिक्स कर लेते हैं, बस इसमें मैं शीरा डालूंगी, ये भुन गया तकरीबन। अब इसमें मैं शीरा डाल दूंगी, और हम इसको चमचा चला देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, जल्दी से मिक्स करना है हमें, अच्छा सा मिक्स करना है ताकि ये इसकी गुठली वगैरह ना पड़े इसमें। ये हो गया, पैन छोड़ दिया इसका, अब बस इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। अच्छा ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था पहले से, और मैं इसको जमा देती हूँ ऊपर से बादाम पिस्ते, आप इस पर चांदी के वर्क लगाएं, उसको 2 घंटे के लिए ठंडा करेंगे, फिर मैं इसका टुकड़ी काट के आपको बताऊं। तो हम काट लेंगे, 2 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने काट लिया, और मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ क्लिक करके आपको, इस तरीके से देखें, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे सारे क्लिक करके। अच्छा मैं इसको डिश आउट कर लिया, बादाम पिस्ते और खोपरे से मैंने इसे गार्निश कर लिया था, चांदी का रख लगा दिया था, ट्राई ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।